असलम दोस्तों दिस इज़ सोनो अहमद तो फ्रेंड्स इन आज की स्पीड में आपके साथ तो शेयर करने वाला हूँ जैस कैश का एक बिल्कुल नया लेटेस्ट फीचर बहुत ही कमाल का फीचर उन्होंने अपने जैज़ कैश यूज़र्स के लिए निकाल दिया भाई इस फीचर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को पहले जैज़ कैश का ए कार्ड लेना पड़ता था या किसी भी बैंक का ए कार्ड लेना पड़ता था ताकि आप उसे कि भी किसी भी पी पे यानी कि आप लोग किसी पेट्रोल पंप पे किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते थे तो आप उसके ज़रिए वहां पर पेमेंट कर सकते थे लेकिन अब उन्होंने आपको जैज़ कैश ऐप के अंदर ही एक कमाल का फीचर दे दिया जिसके ज़रिए आप आप टैप एंड पे कर सकते हैं जस्ट अपनी ऐप से ही आप लोग टैप करेंगे और आप लोग पेमेंट कर सकते हैं कहीं पर भी पेट्रोल डलवा रहे हो किसी भी रेस्टोरेंट में हो कहीं पर भी हो कहीं से भी आप लोग शॉपिंग कर रहे हो आपको एटीएम कार्ड ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है ना उसे सालाना चार्जेस भरने की ज़रूरत है कुछ भी करने की जरूरत नहीं आप अपनी ऐप से ही ये पेमेंट कर सकते हो ये टैप टू पे पेमेंट क्या है आप लोग इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो कितने चार्जेस लगते हैं आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन इन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करो चैनल पर हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले हम लोग आएंगे अपनी जैस कैश ऐप में तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ जैस कैश यहाँ पर जैस कैश आ गया इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इसको आपने करना है लॉगिन लॉगिन के लिए इस लॉगिन वाले बटन पे आपने क्लिक करना है और अपने चार डिजिट्स का आप लोगों ने पिन देना है या बायोमेट्रिक से लॉगिन कर सकते हैं जैसा मैंने कर लिया ये लॉगिन करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो फीचर है ना ये अभी उनके पास आएगा जिनकी ऐप अपडेटेड है तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है अगर अपडेट का नहीं आइडिया तो भाई आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने आना है यहाँ पर प्ले स्टोर पर और यहां पर आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है यहां पर जैस कैश यहां पर आप लोगों ने जैस कैश को सर्च करना है ठीक है जैस कैश आप लोगों ने सर्च किया और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर ऐप के साथ ओपन लिखा आ रहा है अगर आप लोगों की ऐप अपडेटेड नहीं है तो यहां पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है जब आप इसे अपडेट कर लेंगे आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर जहां पर टॉप पर जैस कैश लिखा हुआ ना इसके साथ आपको ये देखें वाईफाई के सिग्नल जैसा आप लोगों को आइकन जो है वो नजर आ रहा है ये आइकन अगर आपके पास शो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी ऐप अपडेटेड है आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अगर शो नहीं हो रहा है तो भाई आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अब आप लोगों ने एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है आप लोगों ने इस आइकन के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो भाई लिखा हुआ है कि मेक पेमेंट ईजियर एंड फास्टर एक्टिवेट टैप एंड पेट जैस कैश डिफॉल्ट पेमेंट मेथड आप लोगों ने एक्टिवेट करना है इस टैप एंड पे को मैं बता रहा हूँ कैसे करना है उसके बाद में आपने अपना जो जो पेमेंट मेथड है ना उसपे क्लिक करके डिफॉल्ट जैस कैश को सिलेक्ट करना है फिर आपकी पेमेंट वर्क करेगी वाइल मेकिंग द पेमेंट लुक फॉर द काउंटलेस सैम्पल और पीओ मशीन के ऊपर जब वो आपके पेमेंट डालते हैं आप अपना कार्ड स्वाइप करते थे ना उसके बजाय आपने अपनी ऐप को ओपन करके जस्ट वहाँ पे टैप करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी फॉरन से आपने अनलॉक करना है फोन को जैस कैश एप ओपन करना है टैब आपने करना है फ़ोन को पीएस मशीन के ऊपर और आपके ऊपर बाई प्रोमोट शो हो जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी हुई है आपको कोई भी कोड वगैरह दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा सेटअप करने के लिए आपने क्या करना है यहाँ लिखा हुआ है सेटअप पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास ऑप्शन आएगी वो आपको कहेगा कि भाई इसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप तमाम यहाँ रीड करना चाहें तो कर सकते हैं हम कब करते होते हैं यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे आई एग्री पे हम क्लिक कर देंगे इसके बाद एक मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन आएंगे कि भाई आपके पास एक्टिवेट हमारे पास एक्टिवेट नहीं हो रहा तो भाई जिस भी फ़ोन के अंदर ये टर्न ऑन एन यानी एन का ऑप्शन जिस भी फ़ोन के अंदर है ना जो न्यू फ़ोनस हैं उनमें ये ऑप्शंस है तो जिस फ़ोन में भी एन का ऑप्शन है जस्ट उसी फ़ोन के अंदर ही एक्टिवेट होगा अदरवाइज आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हो पुराने मोबाइल्स के ऊपर एक तो ऐप ही अपडेट नहीं होगी और अपडेट हो भी जाती है तो उसमें अगर एन का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हो इस पेज पर आने के बाद वो कह रहा है जी टर्न ऑन एन एफ यहाँ पर आपने क्या करना है आपको छोटा सा एरो का बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एन एफ पर ऑफ है ठीक है आपने यहाँ पर एन एफ आना है और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे ऑफ है हम इसे ऑन कर देंगे एन आफ़ सी आइकन ये ये वो बता रहा है आपका ओके okay हो गया ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं बार में एन एफ सी ऑन हो गया यहाँ पर आएंगे इसको हम बैक करेंगे बैक करने के बाद आपने क्या करना है अब आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर अब आप आपको बताया जा रहा है कि भाई टैप टू पे को एक्टिवेट करने के लिए आपने सौ रुपया आपके अंदर अकाउंट में कम से कम मौजूद होना चाहिए सौ रुपया आपके पास है क्योंकि सौ रुपया इसकी वो फी चार्ज करते हैं फी चार्ज इज़ नॉट रिफंडेबल ये आप देख सकते हैं जो फी चार्ज की जाएगी ये रिफंड नहीं की जाएगी सौ रुपये आपसे फ़ी चार्ज की जाएगी उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका एक्टिवेट हो जाएगा उसके अलावा इन्होंने कोई भी इसके मंथली सालाना वीकली कोई भी चार्जेस नहीं रखे हुए हैं एक बार आपका सौ रुपया यहाँ पर कटेगा और उसके बाद में आपकी ऑप्शन जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाने वाली है यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है आपके पास ये तमाम ऑप्शन आ गई उसके बाद आपने कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने अपना चार इंचों का पिन देना है या आपने अपनी बायोमेट्रिक जो है वो करनी है तो उसके ज़रिए आप लोगों की जानी पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद में आपका ये जो फीचर है ये एक्टिवेट हो जाएगा मैं अभी इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ जस्ट मैं आपके साथ इनफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ठीक है योर फोन मीट्स द रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है और आप लोग इसके ज़रिए इसको एक्टिवेट कर सकते हो जैसे ही आप लोग पेमेंट करोगे फ़ौरन से उसी टाइम ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपने किसी भी शॉप पर किसी भी पेट्रोल पम्प पर पे जाना है जैसे कि आपको पिक्चर शो हो रही है इसी तरह से आप लोगों ने वहाँ पर जो भी पेमेंट करनी है जैसे कि यहाँ तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोगों ने सबसे पहले अपनी जो ऐस एक्टिवेट करके जो पेमेंट मेथड है ना डिफ़ॉल्ट में वो आपने जैस का सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में आप लोगों ने जो मशीन है उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी जो पेमेंट है वो करवानी है मतलब आप दो का पाँच का जितने का पेट्रोल डलवा रहे हो या कहीं से भी कुछ भी आप शॉपिंग कर रहे हो उसके बाद में जब आपको कहते हैं कार्ड स्वाइप करें तो उसके ऊपर उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की वो बनी होती है एलईडी उसके ऊपर आप लोगों ने जस्ट अपनी ऐप को ओपन करके इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है अपने मोबाइल को उसके ऊपर रखना है और फौरन विद इन अ सेकेंड वो आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुकी है और उनकी तरफ से वो दो रिसिप्ट भी निकलेंगी जो एक वो रखते हैं और एक रिसिप्ट वो आपको देते हैं तो भाई अगर आप लोग बाय शॉपिंग करते हो या आप लोग अपने एटीएम टी कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपको एटीएम कार्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपका फ़ोन ही अब आपका एटीएम कार्ड है आप जहाँ भी जाके शॉपिंग करना चाहें करें आप कहीं से भी पेट्रोल डलवाना चाहते हैं डलवाएं उसके बाद आप बास अपनी इस ऐप के जरिए ही आप लोग पेमेंट कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छा फीचर है अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको एक्टिवेट करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो दोस्तों शेयर करो दुआ में याद रखिएगा असल